एक हम ब्रॉडर पिक्चर ऑटो सेक्टर की आपके सामने दिखा देते हैं। यतिन जी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे और वो आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे किस हिसाब से बाजार की उम्मीदें हैं जनवरी के वॉल्यूम सेल्स की पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर पर। फिलहाल यहाँ पर टॉप गेनर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर मेकर, जहाँ पर गाबा साहब ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी। टाटा मोटर्स पर जिक्र करते हुए अमित सेठ साहब, चर्चा बजाज ऑटो, मदसन सुमी और M&M की भी आपको होती हुई दिखेगी, लेकिन फिलहाल बढ़िया मोमेंटम में आपको ये पूरा बाजार दिखेगा। बीरेन जी, टाटा मोटर्स खासे रुझान में है तेजी के, सेठ साहब ने आपको एक बढ़िया यहाँ पर ट्रेड सजेस्ट किया ही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पर आप टिप्पणी करना चाहें तो। जी, टाटा मोटर्स की शैल जी एक चीज है यहाँ पर, देखिए इवेंट से पहले अगर आप टाटा मोटर्स को देखें, इट्स एन एक्सटेंडेड फ्लैग, मतलब एक तरीके से ब्रेकआउट बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन डिले हुआ ये ब्रेकआउट। जरा प्लीज चार्ट लिख आइएगा और आशीष आप इस पर कमेंट कीजिएगा, सेठ साहब ऑलरेडी अपना अगर आप देखें व्यू कंप्लीट कर चुके हैं। टाटा मोटर्स 513 एक आई थिंक बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट इसका उसी दिन आता 19 जनवरी को ही, लेकिन उस दिन आई थिंक यूक्रेन रशिया के इशू के चलते जो यूरोप से प्रेशर आ रहा था वो इसको अगर आप देखें अपने साथ नीचे ले गया, उसके चलते ये गया नीचे 50 डेमा को वॉलिड करके फिर स्ट्रेंथ को रिगेन करता हूँ ग्रेजुअली। आशीष फरवरी का पूरा सीरीज मेरे पे पेंडिंग है, अभी टाइम वैल्यू काफ़ी है, 520 की कॉल ऑप्शन पे आपका नजरिया क्या है इसकी? बिल्कुल, तो वीरेंद्र हमें काफी पसंद है, इनफैक्ट आज रिजल्ट के कारण ही हमने इसको अवॉइड किया, वरना शायद ये ट्रेड 2 बजे में हम इसको पिक करते, क्योंकि जिस तरह का ये फॉर्मेशन है और जिस तरह से वीकली और मंथली चार्ट पर इसमें एक लंबे समय का कंसोलिडेशन हुआ है उसको देख के क्लियरली ये माना जा सकता है कि स्टॉक 550 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको क्रॉस करने की तैयारी में अहेड ऑफ इवेंट है, इसलिए कॉल ऑप्शन ही इसका एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 520 की स्लाइड, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 520 की है, 520 की कॉल ऑप्शन जो 21.60 रुपए पे समय ट्रेड कर रही है वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17 रुपए का और ऊपर में मैं मानता हूं 28 रुपए के लक्ष्य इस 520 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, इवेंट है इस, क्योंकि आज रिजल्ट है, इसके चलते मैं समझता हूं कॉल ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को प्ले कीजिए, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहां पर लॉन्ग साइड पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार माना साहब जरा HDFC बैंक को देखिएगा, ये भी अपनी कल की कैंडल के ऊपर ट्रेवल करता हुआ हाई को क्रॉस करता हुआ और पिछले 3 दिन के कैंडल्स को हाई को क्रॉस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 24 जैन को जब 200 डेमा वॉलेट हुआ था उस दिन की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता हुआ डे हाई पर, और इसका एक एडवांटेज बैंक निफ्टी को इस वक्त मिलता हुआ, बैंक निफ्टी इज नाउ एबल टू ट्रेड अबाउ 38,000। आपकी अप्रोच अब HDFC बैंक पर? मानस जी, HDFC बैंक पे आपका टेक? देखिए HDFC बैंक की जहां तक बात है, कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन के लिए बॉटम बनाने के लिए करीब 1425 के आसपास, लेकिन देखिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, जब 1510 रुपए के लेवल्स ब्रीच होंगे उसके ऊपर HDFC बैंक सस्टेन करेगा तभी आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, उससे पहले अपनी पोजीशन में बने रहिए, 1425 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन फ्रेश कॉल 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही लेंगे, तो 1510 के लेवल्स ब्रेक हो जाने दीजिए उसके बाद खरीदारी करिए। मैं खासा रुझान आपके सामने वीरेन जी, आपकी इजाजत हो तो